लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आप कह रहे हैं कि जो विरोधी दल के नेता हैं या जो पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच जाएंगे तो क्या जवाब देंगे, लेकिन यही सवाल भाजपा के तरफ भी है कि दो विधायक हैं और दोनों आपस में कहीं ना कहीं नहीं बन रही है। आपको नहीं लगता कि ये भी एक सेटबैक है मुंबई में जनता के लिए कि जो जिसके नेतृत्व की हम उम्मीद कर रहे हैं या जिसके नेतृत्व की हम डिमांड कर रहे हैं कि यही नेतृत्व मुंबई को सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है, यही विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकता है, तो ऐसे में जब सर फुटअल होगा दो अपने ही नेताओं और दोनों विधानसभा क्षेत्रों में आपसी अगर समन्वय नहीं रहेगा तो आपको लगता है कि जनता प्रतिनिधित्व देगी? वो भी तो देख रही है कि आपके ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, ये टोटली रॉन्ग परसेप्शन है। नवी मुंबई का चुनाव इन्हीं दोनों के हाथों में दिया हुआ है पार्टी ने। अब एक तरफ है मंदाटा ही मात्रे। अब मंदा का संस्कृत में मतलब होता है नदी, और नदी शुरू हो जाती है चाहे खड्डा हो चाहे पत्थर हो, वो अपने चलती रहती है, लोगों को अपना प्यास, लोगों का प्यास बुझाती रहती है, पानी पिलाते रहती है, खेती को पानी देती रहती है, इस तरीके से चलते रहते हैं। मंदाताई का कार्य ऐसा ही है। दूसरे गणेश नाइक साहब है। अब हमारे संस्कृति में ओम गणेशाय नमः यहाँ से मंत्र शुरू हो जाता है, तो नवी मुंबई का कोई भी वक्ता आने दो, वो पहला गणेश नाइक का नाम लेके फिर नवी मुंबई शुरू कर देता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्य जो चल रहा है, जिस पद्धति से हम लोग राजनीति में चल रहे हैं, मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ अगर आप अलाउ करें तो। गांव में जब हाथी चलता है ना तो लोग उसको नमस्कार करते हैं, हाथी को बोलते हैं भगवान गणेश आ गए, भगवान गणेश आ गए, ऐसे करके नमस्कार करते। कुछ जानवर जो होते हैं छोटे, वो ऐसे पूछ वाले, वो पीछे से चिल्लाते रहते हैं, भौंकते रहते हैं जिनको बोलते हैं पब्लिक। अब कुछ सोचने के बाद सवाल ये उठता है कि वो भौंकते क्यों है, क्योंकि वो इतना बड़ा, ये इतने छोटे, फिर भौंकना क्यों होता है? सवाल भौंकने का उनसे, हाथी से कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है और ना पब्लिक को उनसे कोई प्रॉब्लम रहता है। उनका प्रॉब्लम ये रहता है वो जानवरों का कि सब जन हाथी को नमस्कार कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं नमस्कार कर रहे? तकलीफ ये है। और हाथी को कोई नहीं फर्क पड़ता, चाहे कोई नमस्कार करे चाहे नहीं करे, हाथी अपना मस्त चलते रहता है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को कौन सा जिला अध्यक्ष क्या गाली दे रहा है, हम लोग उसमें बिल्कुल उलझते नहीं है। हाँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी को कोई जानवर का नाम भी नहीं दे रहा हूँ। ये एक कहानी मैंने सिर्फ बता दी, नहीं तो और किसी को बुरा लगेगा तो माफी चाहता हूँ, लेकिन ये एक व्यवस्था के अंदर एक चलना होता है। ये दावा है कि मुंबई का जो विकास है बीजेपी नेताओं के दम पर ही होने वाला है। बीजेपी नेता विश्वासार्हता लेके आ रहे हैं और सारी टीम मिलके नवी मुंबई का विकास करेंगे, और नवी मुंबई आने वाले 10 से 15 साल में जो केंद्र सरकार की योजना है जिसके अंदर आपकी ब्लू इकोनॉमी है, आगरी कोळी समाज के लिए पूरी ब्लू इकोनॉमी डेडिकेट की जाएगी, आईटी हब नया हो जाएगा, और मेरा दावा है अगर नए 5-10 साल के अंदर नवी मुंबई में आईटी हब अगला बैंगलोर करके प्रोजेक्शन अगर हो जाएगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आने वाली पीढ़ी के लिए वहां पे जॉब उपलब्ध होगा। एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट के रिलेटेड काफी सारे जॉब्स है, फूड प्रोसेसिंग है, काफी सारे जॉब्स है, ऐसे काफी योजनाएं लेके हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर महा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सहयोग जहां भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाले महानगर पालिका की सत्ता जो है वो उसके अंदर अपना पूरे योगदान देगी।